ऐसा है भाई साहब, यहाँ गाँव के बीचों बीच नदी होती है सोन नदी, और प्रशासन का कोई रात के यहाँ से सामग्री नहीं मिल रही, गाँव वालों को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई मरीज है, बच्चों को स्कूल जाना था, स्कूल की व्यवस्था नहीं होता, उनका प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल छोड़ दिया, दो तीन लड़के थे वो तो तैर के निकल गए, वो तो देख आगे मतलब लड़के तो देख जा नहीं पाए, खाने की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे प्रशासन ने, प्रशासन ने प्रधान ने करवा रखी है, खाली दाल चावल की व्यवस्था है वो लोग ठहरे हुए इसके लिए, बाकी ये बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है, लोग उधर फंसे हुए हैं लोग, आप पूरा गाँव फंसा हुआ कम से कम 400 लोग हैं। ये जो है कल जब गांव में अफरा तफरी का माहौल हुआ, पानी लोगों के घरों में घुस गया था, इनके राशन खराब हो गया था और चूल्हे जो है लोगों के गैस सिलेंडर नहीं थे, तो लोग जो है कई लोग जो है भूखे सो गए थे, कईयों ने कईयों को मानंदमय स्कूल के मैस वालों ने खाना खिलाया। उसके बाद जो है हमने जो है आज जो है जो गढ़ी श्यामपुर के ग्राम प्रधान है जयेंद्र रावत जी हैं, टीकाराम पुरवाल जी हैं, इनको हमने कहा, सामाजिक क्षेत्र के लोगों को कहा, इन्होंने हलवाई यहाँ पर भेजे हैं, खाने की व्यवस्था करी है और लोगों को आज जो है आपने देखा होगा दिन भर आप लोगों के सहयोग से जो है कितने लोगों को यहाँ पर जो है खाना खिलाया, और जो है जो रेस्क्यू कर रहे थे जो स्थानीय लोग जो बाहर के थे ना उनको भी यहाँ पर खिलाया गया है।